भाई आप सब लोगों को मेरी आज की राम राम। मैंने आप लोगों को टाटा बाय बाय कर टाटा और बाय बाय बोल रही हूँ भाई, हेलो कर दिया है। तो भाई शाम का टाइम था, आज ब्लॉक किया था शाम से स्टार्ट। ये था चाय बनाने का टाइम, तो मैं बना रही थी बच्चों के लिए दूध और अपने लिए चाय, और साथ में किचन की लाइट वगैरह भी ऑन कर। चाय वगैरह का काम करने के बाद भाई मैं आ गई थी अपने बेडरूम में। तो भाई जैसे कि दिन में भी कंबल और रजाई वगैरह लेके सोते हैं, तो एक बार फिर से पूरा घर संगवाना पड़ता है, तो वही सब मैं यहाँ पे कर रही थी। तो भाई इसी तरह से काम होता रहता है। बालकनी में कपड़े पड़े हैं, अब एक में लग उनकी लगेगी तौलिए वगैरह और वो है, फिर इस दरवाजे को कर दूंगी बंद। और मुकु गई हुई है भाई स्कूल, आपको बताया था मैंने वो गई थी 12:30 बजे के लिए, और वो मच्छर घुस जाएंगे यार। हाँ मच्छरों का आतंक देख लो, हे भगवान, खून पी लिए मच्छरों ने तो हमारा। तो ये तौलिए वगैरह पड़े हैं, कपड़े तो आज नहीं धुले थे लेकिन तौलिए वगैरह डाल रखे हैं, और दिन में लेट जाते देख दिख रहे हैं आपको मच्छर, ही देखो यार, हे भगवान। तो भाई मैं एक बार कपड़े उतार लूँ, नहीं तो सारे मंदिर मच्छर अंदर घुस जाएंगे, मंदिर कह रही हूँ। कपड़े उतार लिए, तौलिए थे सब, सबके तौलिए सबकी जगह पे डालूंगी। दरवाजा कर देती हूँ बिल्कुल बंद, अब ये सुबह ही खुलेगा लगा के। कर दिया भाई, क्योंकि अब सबके तौलिए सबकी जगह पे टांग दूँ और थोड़ा सा कर लूँ काम किचन में भी देखना, और इधर एक कंबल और भी पड़ा हुआ भाई, उसको भी फोल्ड करके रख दूँ। और किलाई का पूजा को घुमा के विनोद जी गए हैं पार्क, वो लेट इसलिए गई फिर। और ये देखो मम्मी ने घर से दिए थे, रिकी गया था मामा के घर चने के लड्डू, जो हमने तो बनाए नहीं है, बनाएंगे सोच रहे हैं बना ले, पर हमारा वेट वगैरह और विनोद जी का बीपी वगैरह की वजह से भाई हम नहीं बनाते हैं, कम ही बनाते हैं, बच्चे वगैरह तो अपने खाते भी नहीं। पिछले साल बनाए थे तो वही जून तक खाए थे हमने, तो एक बार बना तो फिर हमारे घर पे ख़त्म नहीं होते और खाते नहीं है ढंग से, तो इसलिए फिर नहीं बनाते। तो आज नानी के घर गया था तो इसकी नानी ने इसको लड्डू दिए थे कि तू खा लेना, तो वो थे। तो भी मैं एक बार तौलिए वगैरह डाल के घर को कर दूँ फिट फॉर, क्योंकि एक बार मॉर्निंग में संगवाना, फिर इवनिंग में संगवाना, फिर रात को सो जाना, फिर उठ के सुबह फिर संगवाना, सारा दिन औरत का यही काम चलता रहता है। फिर बोलते हैं करती क्या है, फ्री तो रहती है, जॉब पे थोड़ी जाती है। जॉब वालों को कम से कम ये तो मिल जाता है कि जॉब पे गई। घर संगवाने के बाद मैं आ गई थी किचन में, और मैं यही कह रही थी कि पूरा दिन काम करते रहते हैं, जॉब वालों को ये क्रेडिट तो मिल जाता है कि जॉब पे गए थे, हम लोगों को तो यही बोला जाता है कि घर पे ही तो थे आप लोग, तो यही है भाई। तो इस टाइम पे मैं जो चाह रही हूँ अपने बर्तन, क्योंकि टोकरा बर्तन और धोने से पहले खाली करना होता है, तो सारे बर्तन उनको उनकी जगह पे लगाऊंगी, और फिर आगे का काम जो है भाई किचन का स्टार्ट होता है, क्योंकि चाय पानी तो बन जाती है लेकिन उसके बाद बर्तन धोना, दूध का काम, खाने का काम, टोकरा भर गया उसको खाली करने का काम, सारा दिन इसी तरह से काम जो है भाई किचन का लगा लो या घर का कोई और काम लगा लो, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। और किसी दिन बाय चांस आप फ्री बैठ गए तो कोई और नया काम याद आ जाएगा, चलो आज वो कर लेते हैं भाई, आज फ्री है तो फ्री तो औरत कभी भाई। यहाँ पे एकदम से पता नहीं है लाइट को क्या हो गया, पूरी लाइट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है, आप लोगों ने देखा होगा एकदम से ऐसे ऐसे लाइट जा रही है बार बार में, और ये कैमरे में था तो नोटिस हो गया। मैं दिखाऊंगी विनोद जी को, सारी लाइट ऐसे जब 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 करने लगी थी एकदम से, इन्वर्टर में पता नहीं कनेक्शन, क्योंकि हर रूम में इन्वर्टर का एक एक लाइट का ही कनेक्शन है भाई इन्वर्टर, क्योंकि बहुत बड़ा घर हो रहा है भाई, नीचे पार्किंग में भी है लाइट का, ऊपर भी एक लाइट का है, पंखों का सारों का है, किचन में एक स्विच का भी है, और चार्जिंग के लिए पॉइंट एक एक स्विच भाई विनोद जी ने, तो काफ़ी में मतलब वायरिंग है इन्वर्टर की, पर पता नहीं आज क्या हो गया। अब ये एक्स्ट्रा लाइट है, कर देती हूँ भाई मैं बंद, और इसको भी बंद कर देती हूँ, ये जला लेती हूँ एक बार बार लाइट जा रही है। तो अब मैं जा रही हूँ कपड़े संगवाने के लिए, किचन में बर्तन हो गए, उसके बाद करूँगी दूध का काम, और पापा से पूछूँगी क्या खाएंगे सुबह। तो मैंने आलू प्याज की सब्जी और रोटी बनाई थी, तो हमने सब ने वही खाई थी, पापा ने भी खा लिया था। अब पापा लेकिन हल्का खाना खाएंगे लाइट बिल्कुल, तो बेडशीट निकाल लूँ भाई मैं इसमें से, और उस रूम पे अभी तक बेडशीट नहीं बिछी, तो पहले आज अभी बेडशीट बिछाऊंगी उसके बाद और काम स्टार्ट करूंगी। तो बेडशीट निकाल लेती हूँ एक बार, इस रूम में बेडशीट बिछा के 2 दिन बाद आज इस पे बेडशीट बिछने का नंबर आया, टाइम ही नहीं मिला कुछ, इस रूम में कोई सोता नहीं है तो ज़रूरत नहीं समझी सच बताऊँ तो। और अब इधर चलते हैं, पूजा अपना फिर से घूम के सो गया, अब ये खाएगा खाना
अभी बनाऊंगी रोटी, अभी बजे हैं 7:15, मुको आई नहीं है भाई अभी तक, आएगी तो आप लोगों को मिलवाऊंगी। इसमें हींग जीरे का तड़का लगा के पापा के लिए रख दिया खिचड़ी, ये वो कल वाला घी फ्रिजर में रख के भूल गई। ये सुबह की थोड़ी सी सब्जी बची हुई है, तो कुछ और देखते हैं बच्चों के लिए क्या बनाऊँ। बर्तन धो दिए हैं, दूध का भगोना वगोना खाली करके मांज के रख दिया है, ये दही का दूध गर्म करके रख दिया है भाई, तो काम हो गया अभी तक का ख़त्म। कपड़े वगैरह भी थे, मतलब जो भी प्रेस हुए हुए थे, जो धुले हुए थे, जो मतलब बांधने थे गठड़ी में, तो वो भी बांध दिए और प्रेस किए हुए अलमारी में अपनी अपनी जगह पर रख दिए, क्योंकि कल फिर से टाइम निकलेगा और कल मॉर्निंग में तो कपड़े धोने भी हैं, क्योंकि शाम को हम 5 बजे यहाँ से चले जाएंगे, 5 बजे जाएंगे और 9 बजे जाएंगे, और मुझे पापा की टेंशन हो रही है भाई, बाकी सारा काम तो मैनेज हो जाएगा। हम लोग तो भाई जैसे आके नमकीन राइस वगैरह भी छोक लूँगी, या मतलब खा लेंगे, कुछ ना कुछ खा लेंगे हम लोग। अब पापा ना तो कुछ भी बाहर का खा सकते, कुछ भी नहीं खा सकते, और खिचड़ी दलिया बना के जाऊँगी तो उनको देगा कौन, और ठंडा हो जाएगा ना रिक्की से गर्म होगा ना पापा से। या तो मैं सोच लूँ पापा के लिए चूरमे का लड्डू और दूध करके जाऊं, ताकि रिक्की दूध को तो फिर से दोबारा से गर्म करके दे देगा, तो कुछ तो अरेंजमेंट मुझे पापा का करके जाना पड़ेगा, क्योंकि पापा 7:30 बजे तक खाना खा लेते हैं, कल ही खाना लेट हो गया था, तो ये थोड़ी सी टेंशन है मेरे दिमाग में, करूंगी उसको भी अरेंज, पापा से पूछेंगे कुछ इलाज, पापा बताएंगे तो पूछ लूंगी पापा से क्या करेंगे। और इस रूम में भी चारपाई अंदर ले आई, क्योंकि फिर मच्छरों का हाहाकार मच जाता है भाई, तो वो भी बिछा दूंगी अभी, फिर नहीं तो मुक्कू बेचारी परेशान हो जाती है, क्योंकि वो बिछा देती है भाई। पापा का खाना तैयार है, ये देखो बिल्कुल पतली सी हल्के से देसी घी में इस तरह से ये उबाल के, ये बिल्कुल घोट के ऐसी बनाइए, नहीं तो पापा को फिर मिक्सी में पीस के वो करना पड़ता है, तो ये इस तरह के ना इसको दही के साथ अच्छे से खा लेते हैं पापा, तो एक टाइम रोटी सब्जी और एक टाइम बिल्कुल हल्का खाना, इस तरह से पापा खा रहे। मुकु आ चुकी है हमारी बेटी, और पता है कितने बजे आई, 7 बजे इसका मिलने का टाइम था, लेकिन प्रैक्टिस कर दी रही ग्रैंड। हाँ 8 बजे आज आए, 8 बजे अभी खाना खाया हम लोगों ने, कल तो 10-11 लगा लो कि 10-11 बज जाएंगे, कल का तो भगवान जाने क्या आएगी और कैसे अरेंज होगा, कुछ नहीं पता, तो अभी तक का यही है कि खाना खाया, किचन साफ कर लूं, क्योंकि पहले आते इसको खाना वाना खिलाया भाई, और इसको स्कूल में मिला था क्या मिला हमको, कॉफी और गरम समोसा, कॉफी दी बच्चों को गरम गरम और समोसा दिया गया है, कि हालांकि मैंने इसको लंच वंच पैक करके दिया था अच्छे से, तो इसने कर लिया भाई। बर्तन वगैरह सब क्लीन हो चुके हैं, फिर से देख लो मुकुबा लंच बॉक्स खाली, दूध जमा दिया उसको ओवन में रखूंगी, और ये पापा के लिए कर रही सबसे पहले दूध गर्म। हम लोगों तो भैया भी खाना खाया है, तो पहले कपड़े वपड़े चेंज करके बिस्तर वगैरह बिछा के फिर दूध वगैरह देखूंगी 10 बजे से, अभी नहीं। देख लो भाई जाडे में पोजीशन, और ये रिमू को विनोद जी गए हैं किचन में अपना खाली दूध का मग्गा रखने, और भाई मेरे इस हाथ में ना, मैं एक मिनट फ़ोन ऐसे पकड़ लूँ, मेरी साथ में आज मैंने स्वेटर नहीं पहनी थी, तो ये यहाँ से लेके यहाँ से और यहाँ तक ऐसे कर, मतलब ठंड की वजह से ना पेन हो रहा है, मैं पैरों में भी इस वजह से सॉक्स पहन के रखती हूँ। ये बताओ, हाँ जवाब दी रहेगी आपको, आप मेरी बोतल दे दो पानी की, आप सारी बोतल अपने पास रखो, सो रात को एक बार पिया पानी, ये फिर भी मेरे को दसक वसक चल जाती है, चल जा उठ काड़ा, नहीं वो इतना जाड़े में कड़ा उठा जा यार, कोई ना भी तो मैं पी के दे दो, अरे दे दो ना, एक दो पानी चाहिए यार, नू मत करो आप, तभी विनोद जी के रहे, बताए विनोद जी का ना मेरे यहाँ पे, यार ये क्या हो गया, ये और ये पिंपल हो गए क्या, पता नहीं कैसे हो गए भाई, पता है विनोद जी मतलब कल के लिए क्या राय है विनोद जी की, कल के लिए राय विनोद जी की ये है कि उनको ना जाना पड़े, और मुकु भाई मना कर, मुकु तेरा क्या वो है बेटा, पापा मना कर रहे हैं, पापा कह रहे हैं कि मैं मेरे को और भैया को छोड़ देंगे वहाँ पे और वो घर रहेंगे, मैं कह रही हूँ मैंने कहा मैं आपके लिए थर्मस में कॉफी लेके प्रॉमिस कर रखा है ना, मैं भी वही कह रही हूँ, मेरा मन थोड़ी लगेगा, भैया तो फिर परेशान करेगा मेरे को और ज्यादा, रिक्की को आप मेरे साथ बचो, रिक्की मेरे से, आपको पता है रिक्की की और मेरी तो एक मिनट भी नहीं बनेगी फिर वहां पे हमारी, तो इतनी बनती है ना, नहीं बनती, बस आप आओगे पहली बात, फिर आप और रिक्की चले जाओ, किया था किया था
झूठे मुझे मम्मी ने बोला था कि आपने प्रॉमिस वो मम्मी ही मैं झूठी है तो वही मैं जरा एक बार इनको देख लूं फिर आप लोगों से बात करती हूं। नहीं तो ये व्लॉग रहा यहीं तक, इस व्लॉग को करते हुए यही एंड। बाकी अभी फैमिली टॉपिक चला हुआ, जरा मैं इन दोनों से बात कर लूं है और आप लोगों से मिलूंगी मैं कल फिर से अच्छे से प्यारे से व्लॉग के साथ। मुकू का फंक्शन का व्लॉग मैं बनाऊंगी, वो मैं आप लोगों के साथ मुकू की जो परफॉर्मेंस होगी वो मैं जरूर शेयर करूंगी बनाने की दिखाने की आप लोगों को भी। और भाई संडे को कोई व्लॉग नहीं आएगा, मंडे टू सैटरडे मैं आप लोगों को व्लॉग दूंगी, संडे को कोई व्लॉग नहीं आएगा, फिर उसके बाद मंडे टू सैटरडे फिर से व्लॉग मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगी। तो तब तक के लिए टाटा गुड बाय एंड गुड नाइट जी एंड राम राम जी।